अभी अभी मैंने यहाँ एक जानवर की आवाज़ सुनी है, देखता हूँ अभी यहाँ है या नहीं है। मैंने दूर से देखा था, आवाज़ तो ऐसी लग रही जैसी अभी आवाज़ आई है, हल्की सी। ऐसी आवाज़ थी जैसे जंगली सूअर शायद है यहाँ पे, देखता हूँ मैं। वैसे डर तो लग रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं। जिससे मैं उसे डरा सकूँ या उसे भगा सकूँ। चलो देखता हूँ मैं। हल्का हा दिखाई दिया था। अभी आवाज आई हल्की सी। ये आवाज़ शायद सामने से आ रही है। मैं देखता हूँ। इधर से आवाज़ आ रही है शायद, वहाँ से। फसल में भी बीमारी आ गई है। मैं ये देखने आया था कि खेत में फसल कैसी है हमारी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मुझे दिखाई दिया। अब देखता हूँ मैं। वैसे आगे जाते हुए डर लग रहा है, क्यों वो मेरे आसपास ही लगता है मुझे। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो देखता हूँ मैं, या चला गया है वो या यहीं है। मैं वापसी निकल जाता हूँ। आवाज़ तो आई थी लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दिया, और आगे जाने की हिम्मत मेरे में नहीं है। और वो उसकी आवाज़ से लग रहा है कि काफ़ी गुस्से में है, जैसे किसी ने उसको छेड़ा हो या इसलिए मैं वापस चला जाता हूँ। देखता हूँ अगर वो मिल जाए। वैसे तो अब वो यहाँ से दूर ही आवाज़ आ रही है उसकी, शायद आपको सुनाई दे, पता नहीं। अब मेरा वापस जाना ही ठीक रहेगा, क्यों जानवर का कुछ पता नहीं होता।
किस जगह से निकल जाए, कुछ वो फसल खड़ी है ना, फसल के बीच में पता नहीं लगेगा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। इसलिए वापस जाना ही बेहतर होगा। क्योंकि दूसरे के इलाके में जाकर उसे उसके साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं, क्योंकि ये इलाका ही उन्हीं का है, हम इनके इलाके में कुछ नहीं कर सकते और ना ही मेरे पास कुछ हथियार है जिससे मैं उसे भगा सकूं या डरा सकूं। अभी दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। दिखाई दे रहा, बहुत स्पीड से भागा हो यहाँ से, हल्का सा दिखाई दिया, फिर उसके बाद उसके रेंगने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद कुछ वीडियो में आ जाए लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा, ये नहीं पता वो एक है या दो हैं। अगर आप कभी अकेले हो तो कभी भी ऐसा जोखिम मत उठाना, क्यों जानवर का कुछ नहीं पता होता है कि वो उसके साथ छेड़छाड़ की हो या उसे घुसाया हो। उसको शायद किसी ने मारा हुआ था, मारा है कुछ, उसके साथ छेड़खानी की गई है जिससे वो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे चलना चाहिए। लाइक जरूर करना दोस्तों वीडियो को।